हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोज स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। यहाँ पे दो क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे कह रहा है, समलंब चतुर्भुज कौन सा? ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी समांतर है। ठीक है, तो उसके विकर्ण जो है ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो डायग्राम जो है वो इन्होंने हमको दिया नहीं है, डायग्राम जो है वो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हम इस तरीके से बना लेंगे जिसकी आमने सामने भुजाओं, ठीक है, सारी नहीं, भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वो कैसा होता है? समांतर होता है। ठीक है, और एक जोड़ा जो होता है भुजाओं का वो समांतर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये बना लिया हमने, क्या? एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, अगर इसके हम पॉइंटों की बात करते हैं, पॉइंट का मतलब इसके अगर हम भुजाओं की बात करते हैं, ये रही हमारी ए और ये रही हमारी बी और ये रही हमारी सी, और ठीक है, सी इधर रखते हैं और डी उधर रखते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो है ए सी बी डी बताए गए हैं। अगर सी को इधर रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सी को उधर रखेंगे, डी को इधर रखेंगे। अब हमें क्या बनाने हैं? विकर्ण बनाने हैं। तो भाई, विकर्ण भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये रहे हमारे, ठीक है, ये रहे हमारे दो विकर्ण, बी डी और ए सी। अब इन्होंने कहा था ये जो हमारे विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं? ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमारा क्या है? ओ है। ठीक है, इतना हो गया। इन्होंने अब क्या कहा था? ए बी और डी सी जो है वो समांतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि इन्होंने दिया है ना ए बी, या हम लिख सकते हैं ये चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज लिख देते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या इन्होंने दिया है? ए बी जो है समांतर है डी सी के। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को इस पे प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ओ ए अपॉन ओ सी। ओ ए कहाँ है? ओ ए ये है। ओ सी कहाँ है? ओ सी ये है। ठीक है, इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, तो इनमें क्या है, हमको यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए बी ओ। त्रिभुज तो हालांकि चार दिख रहे हैं, लेकिन हम यूज में किसको लेंगे? इसको लेंगे, ए बी ओ को और डी ओ सी को। ये दो वाले त्रिभुज जो हैं इनको हम यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये ए बी और डी सी क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, जब हम आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं एकांतर, ठीक है, कोण की, एकांतर कोण क्या होता है? जब दो भुजाएं हमारी समांतर होती हैं, कोई तीसरी भुजा इसको इस तरीके से काटे, चाहे जैसे काटे, चाहे सीधी काटे, चाहे जैसे काटे, तो कॉर्नर वाले कोण, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होते हैं बराबर हो जाते हैं, ऐसे ही इधर वाला कोण और इधर वाला कोण जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें एकांतर कोण क्या हुआ? ये वाला कोण जो है वो हमारे इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। और दो भुजाएं जब इस तरीके से काटे एक दूसरे को, ठीक है, या ऐसे काटे इस तरीके से, तो आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख। ठीक है,
कोण, ऐसे कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तीन एंगल हमारे बराबर होने चाहिए समरूप होने के लिए, तो तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए हैं। तो एक एक करके हम सबको लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कोण ए जो है वो बराबर है कोण सी के, ठीक है। और इसी तरीके से कोण बी जो है वो बराबर है कोण डी के। अब इनको बराबर कैसे कर दिया है, ये हमारे एकांतर कोण है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये दोनों कोण जो है एकांतर कोण है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ओ बराबर है कोण ओ के, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में भी कोण ओ आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी कोण ओ आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है या कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ या शीर्षाभिमुख कोण। उभयनिष्ठ नहीं, शीर्षाभिमुख लिखेंगे, उभयनिष्ठ नहीं लिखेंगे। उभयनिष्ठ तो तब होगा जब हम एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज में भी ये वाला एंगल आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हम हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे अतः तीन चीज हमारी बराबर होनी चाहिए, तीन चीज हमारी बराबर हो गई। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल एंगल एंगल, या आप यहाँ पे लिख सकते हो कोण कोण कोण, या लिख सकते, ठीक है, इतना लिख सकते हो, या ट्रिपल ए लिख सकते हो, ठीक है, या अतः ट्रिपल ए समरूपता से, या समरूपता की कसौटी से, ठीक है। समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारा जो दिया गया है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। अब हमारे त्रिभुज जो है वो समरूप हमने प्रूव कर दिए, ठीक है, लेकिन हमें समरूप थोड़ी ना बताना था, इन्होंने क्या कहा है, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। समरूपता तो हमने प्रूव कर दी, हमें सिद्ध क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आई प्रूव करने को बोला था ए ओ, ठीक है, या ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ठीक है। जब हमने प्रूव भी कर दिया है तो हम इसको भुजाओं के अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव्ड, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो भाई एओ अपॉन हमने क्या लिखा है ओसी, ठीक है, और ओबी अपॉन में ओडी, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं क्योंकि भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा, बस सीधी सी बात है, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में पर चलने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, चाहे तो ये नाम डाल दीजिए, चाहे तो इस चैनल का नाम जोजस स्टडी डाल देंगे तो तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। मेरे हैंड रिटन नोट्स, आपकी सारी की सारी बुक्स, हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश मीडियम वाली, नई वाली, सारी की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो हमने आपको चैप्टर एनालाइज कराया है, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, वो भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। तो कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। ये कह रहा है आकृति 3.6.36, ये वाला जो हमारा दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये है अपॉन क्यू एस, मतलब बड़ी वाली भुजा पटे में छोटी वाली भुजा इज इक्वल टू क्यू टी, इधर की बड़ी वाली भुजा अपॉन में पी आर,
ठीक है, पी आर कहाँ है, ये वाली भुजा, क्यू टी अपॉन में पी आर दिया गया है बराबर, तथा कोण एक, मतलब कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, ये हमको दिखाया गया है। फिर कह रहे पी क्यू एस समरूप है, पी क्यू एस कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके, टी क्यू आर के। अब टी क्यू आर हमारा कौन सा त्रिभुज है, तो टी क्यू आर ये बड़ा वाला जो हमारा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है बड़े वाले त्रिभुज के, ये हमें बताना है। तो हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और इतना टफ नहीं है। देखो हमको दिया क्या गया है, ठीक है, हमको दिया क्या गया है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ये त्रिभुज, हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में इन्होंने क्या बताया है, कोण क्यू जो है, या कह लो कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है, इन्होंने हमको ये बात दे के रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। और कोण हमने एक आपने पढ़ा होगा पहले भी, जैसे इस तरीके से हमारे कोई त्रिभुज है, अगर उसके दो एंगल इस तरीके से बराबर होते हैं, तो इन दोनों एंगल को मिलाने वाली जो भुजा होती है, जैसे कि ये वाली भुजा मिला रही है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है, थीके? ये वाली भुजा बराबर हो जाती है, तो इसी इसी नियम का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि पी, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, या इसलिए, इसलिए लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, तुम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए हमारी भुजा कौन सी, पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगी पी आर के, ठीक है, ये हमारी बराबर हो जाएगी, चाहे तो इसको समीकरण नंबर एक डाल दो, ठीक है। अब ये दे दिया है, अब हमको दिया क्या गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि चूंकि रहने दो, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया, दिया है, अब हमको क्या दे कर रखा है इन्होंने, क्यू आर जो है बटे में क्यू एस, ठीक है, इजिकल टू क्यू टी, ठीक है, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये हमको दे के रखा है। अब हमने देखा है कि पी आर की वैल्यू पी क्यू के बराबर है, पी क्यू कह लो या क्यू पी कह लो, बात देखिए कहाँ है, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू ये, ठीक है, पी क्यू कह लो या क्यू पी कह लो, बात एक ही है, ठीक है, तो हम पी आर को किसके बराबर, यहाँ पे क्यू टी था, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू आर, ठीक है, ये क्यू क्यू पी, क्यू आर नहीं क्यू पी, ठीक है, क्यू पी, क्यू पी कह लो या पी क्यू कह लो, बात एक ही है, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि क्या था ये, पी आर इज इक्वल टू क्यू पी, ये हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर दो मान लेंगे, ठीक है। देखिए हमने किया क्या है, इसमें कुछ नहीं किया है, हमको जो दिया गया था उसके हिसाब से हमने ये वाला नियम लगा के दोनों भुजाओं को बराबर कर दिया, जो चीज हमको दी थी उसमें हमने पी आर को इसके बराबर प्रूव कर दिया, इतना हो गया है, ठीक है। अब हम बात कौन से त्रिभुज की करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की ही बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ये वाला त्रिभुज पी क्यू एस लिया है, ठीक है, और हमने क्या लिखा है, टी क्यू आर लिया है। अब हमको समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो तीनों कोण बराबर होने चाहिए, या तो तीनों भुजाओं में अनुपात बराबर अनुपात होना चाहिए, या तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या कह लो दो भुजाओं में अनुपात बराबर होना चाहिए और एक एंगल बराबर होना चाहिए, तीन कसौटियां होती है, तो तीनों कसौटियां में से हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि भुजाएं, तो हमने यहाँ पे देखो ये जो हमारा दिया गया है इसमें ये वाला एंगल तो बराबर आ रहा है, और भुजाओं में अनुपात तो इन्होंने ऑलरेडी बराबर कर दिया है, या कह लो हमने यहाँ पे बराबर कर दिया है इसको,
ठीक है, तो हम यहाँ पे अब यही तभी हमने लिखा है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या था हमारा, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर अपॉन में क्या था हमारा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू टी, ठीक है, क्यू टी अपॉन में क्यू पी, ठीक है, बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, मतलब बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, इधर की बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, ये हमने इस तरीके से इनमें अनुपात किया है, ठीक है, इस तरीके से हमने इनमें अनुपात किया है, तो हमारा ये अनुपात जो हमने लिखा है वो सेम टू सेम हमारी समीकरण दो से मिलता जुलता है, हमने समीकरण दो नहीं लिखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण दो से, मतलब समीकरण दो से बिल्कुल मिलता जलता है, मतलब भुजाओं में अनुपात बराबर हो गया। अब हम एक और चीज कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं दूसरी चीज, कोण क्यू जो है वो बराबर कोण क्यू, ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में ये हमारा आ रहा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। देखिए आप यहाँ पे दोनों ही त्रिभुज में पी क्यू आर में भी आ रहा है और इसमें क्यू टी बी में भी आ रहा है, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया है, भुजाओं में अनुपात भी बराबर हो गया है और ये कोण भी बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एस ए एस, एस का मतलब भुजा, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब भुजा, मतलब दो भुजाओं के में अनुपात बराबर है, एक एंगल बराबर है, और ये होती है हमारी एक समरूपता, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः एस ए एस समरूपता से, ठीक है, समरूपता से, अब इस समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है वो हमारा कौन सा, इन्होंने कहा था पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, हमने यही तो लिया है, पी क्यू एस और टी क्यू आर हमारे समरूप हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है, अब ये दोनों समरूप हो गए और यही हमको प्रूव करना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ, पूरा चैप्टर तो नहीं समाप्त हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं, क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलेगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।